हेलो एवरीवन, आई एम रोहित अरोरा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस के साथ। डिफरेंशिएशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। सबसे पहला फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का। तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन, एक फंक्शन है एक्स टू द पावर एन। तो कैसे डेरिवेट होता है, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, d by dx of tan x is sec square x, d by dx of sec x is sec x into tan x. Now d by dx of cot x is minus cos x square x, d by dx of cos x is minus cos x into cot x. अब देखिए इसके अलावा d by dx of exponent function e to the power x होता है e to the power x. Derivative of logarithm function ये होता है 1 upon x, right? ये formula है derivative के। अब देखिए जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कॉस, कॉसेक और कॉट, तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा याद रखने में। एक्स टू दी पावर एन का आया एन एक्स एन माइनस वन, साइन एक्स आया कॉस एक्स, कॉस को डेरिवेट किया माइनस साइन एक्स, टेन एक्स को डेरिवेट किया सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का आया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का आया माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। e की पावर x का डेरिवेटिव रहेगा e की पावर x और log x का रहेगा 1 अपॉन x, राइट? ये फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कैसे अप्लाई करने हैं फॉर्मूले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 11। एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं पहले, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 11 कैसे करेंगे। देखिए पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, 11 एक्स टू द पावर 10, ये आ गया डेरिवेटिव। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही था कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 11, तो पावर आगे आ गई फंक्शन पावर माइनस वन। इस तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 71, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, 71 एक्स टू द पावर 70। तो मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपसे एक्स टू द पावर एन के ऊपर, आई होप आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड क्वेश्चन, अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो x टू द पावर माइनस 47, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस 47 क्या होगा, पावर फंक्शन पावर माइनस वन, इट विल बी माइनस 47 x टू द पावर माइनस 48। आई होप आ गया होगा, अगर पावर नेगेटिव थी तो सेम प्रोसीजर, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस वन। तो हमारा क्वेश्चन था x टू द पावर माइनस 47, माइनस 47 x टू द पावर माइनस 47 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 47 x टू द पावर माइनस 48। आगे अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो x टू द पावर 11 बाय 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का कि अगर मेरी पावर्स जो भी फंक्शन है उसकी पावर फ्रैक्शन में हो तब कैसे करना है। तो पावर आगे आ जाएगी डेरिवेटिव के केस में फंक्शन पावर माइनस वन, तो
इलेवन बाई टू एक्स टू दी पावर, अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मिस वन है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इलेवन माइनस टू बाई टू, इलेवन बाई टू एक्स टू दी पावर नाइन बाई टू, राइट। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन लिया है जिसमें पावर फ्रैक्शंस में है, तो पावर फंक्शन पावर माइनस वन इट विल बी इलेवन बाई टू एक्स टू दी पावर नाइन बाई टू, राइट। अगर यही पावर बेटे नेगेटिव होती तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर माइनस इलेवन बाई थ्री, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज एक्स टू द पावर माइनस इलेवन बाई थ्री। देखिए कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन माइनस इलेवन बाई थ्री एक्स टू द पावर, एलसीएम लेंगे माइनस इलेवन बाई थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर्टीन बाई थ्री, राइट। ये हो जाएगा माइनस इलेवन बाई थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर्टीन बाई थ्री। तो फ्रैक्शन में अगर पावर थी तब कैसे सॉल्व करना है, पॉजिटिव थी यहां पे और यहां पे क्या आ गई नेगेटिव, तब किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, राइट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट टर्म, अगर हम बात करें एक कॉन्स्टेंट टर्म है मेरे पास, उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो, राइट। अगर हमें डेरिवेट करना है फॉर सपोज फोर, क्या होगा डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर मैं क्या करूं डेरिवेट करना है मुझे फंक्शन जो है हंड्रेड, तो डेरिवेटिव कितना होगा जीरो होगा। तो दो एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस भी किए, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो, राइट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक कंसेप्ट ये डिस्कस हो गया, अब एक डिस्कस करते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए यहां पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है वन है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर वन। तो देखिए पावर कितनी हो गई वन, तो वन इंटू एक्स वन माइनस वन, पावर आगे आ जाती है फंक्शन पावर माइनस वन, तो वन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, राइट। आई होप अच्छे से सभी को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। देखिए स्क्वायर रूट एक्स, देखिए वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, किस तरीके से करेंगे, रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर वन बाई टू, एक्स टू द पावर वन बाई टू, तो कैसे होगा ये, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन है, तो वन बाय टू एक्स टू द पावर, एलसीएम लेंगे वन माइनस टू बाई टू, वन बाय टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू, राइट। अब देखिए ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं वन बाय टू, अब देखिए ये पावर कैसी है नेगेटिव, ये डिनोमिनेटर पार्ट पे जब जाएगी तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। अब देखिए एक्स टू द पावर वन बाय टू का मतलब क्या है, ये रूट एक्स है, एक्स टू द पावर वन बाय टू का मतलब क्या है, ये रूट एक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूं वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, डेरिवेटिव ऑफ योर रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स, तो आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या निकाला है वन अपॉन टू रूट एक्स। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी को, रूट एक्स को एक्स टू द पावर वन बाई टू लिखा है, उसके बाद पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन, तो वन माइनस टू बाई टू दैट विल बी माइनस वन बाई टू, जैसे ये पावर न्यूमरेटर पार्ट पे क्या है नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पार्ट पे जाके क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स टू द पावर वन बाई टू का मतलब क्या है रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, राइट। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर मैं आपसे जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट रूल, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट रूल। अब देखिए मैंने आपसे फंक्शन डिस्कस किए, अगर इसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझिए वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यू, मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है यू,
जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। अब क्या है, अगर इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर सपोज कांस्टेंट है k, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा यहां से बाहर k d बाय dx ऑफ u। इस रूल को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रूल, राइट। अब देखिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग, समझिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x। अब देखिए 4 क्या है, मेरा कांस्टेंट, और sin x क्या है, फंक्शन है। तो क्या करेंगे, ये 4 आ जाएगा बाहर into d by dx of sin x, 4 आ जाएगा बाहर into d by dx of sin x। तो 4 sin x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर मेरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तब क्या करना है आपको, जो भी कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और डेरिवेट किसका करेंगे, फंक्शन का। क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपसे डिस्कस किया है d by dx of 4 sin x, 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेट किसका करना है, sin x का, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x cube। मेरा एक फंक्शन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x cube, राइट। अब ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो 10 into d by dx of x cube। अब ये 10 यहां पे आ जाएगा, अब x to the power n, पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन पावर माइनस 1, 10 into 3x square, 10 into 3, 30x square। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x cube, 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Find now we have to calculate the derivative of this part, that is x cube, x to the power n, power आ गया जाएगी, function power minus 1, तो 3x square, 10 into 3, 30x square, right? I hope अच्छे से सबको clear हुआ होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर दो function आपस में add on हो रहे हैं तब कैसे हम उसका derivative निकाल सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट के थ्रू समझिए, अगर डेरिवेट करना है मुझे दो फंक्शन, एक u ले लेता हूं एक v, तो कैसे करेंगे, d by dx of u plus d by dx of v। दो फंक्शन ऐड ऑन हो रहे थे, क्या किया, d by dx पहले फंक्शन का प्लस d by dx किसका, दूसरे फंक्शन का, राइट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x square plus sin x। We have to find the derivative of x square plus sin x। तो देखिए क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे derivative को, d by dx of पहला function क्या था, x square, दूसरा function क्या है, sin x, x square, x to the power n बन रहा है, power आगे, function, power minus 1, sin x का derivative, cos x, ये हो जाएगा 2x plus cos x। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपसे भी डिस्कस किया, अगर मेरे दो फंक्शन एड ऑन हो रहे हैं तो मैं डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, मैंने कहा दोनों को अलग अलग करेंगे डेरिवेटिव, फॉर सपोज u प्लस v था, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, राइट। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, x स्क्वायर प्लस sin x, अलग अलग किया, x स्क्वायर का अलग, sin x का अलग, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो आंसर क्या बन गया 2x प्लस cos x। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस 10x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस 10x, सेम प्रोसीजर, d by dx ऑफ e की पावर x प्लस d by dx ऑफ 10x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी को। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देखिए d by dx of 4 sin x plus 10 x square, या फिर इसको चेंज कर लेते हैं 10 x to the power 5। We have to find the derivative of 4 sin x plus 10 x to the power 5. Same होगा, ये u की तरह treat होगा, ये v की तरह treat होगा. Now d by dx of 4 sin x plus d by dx of 10 x to the power
फाइव राइट। अब देखिए ये तो कांस्टेंट रूल हो गया, अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल लेंगे। देखिए 4 बाहर आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 10 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 10 एक्स टू दी पावर 5 का पावर आगे फंक्शन पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स प्लस 10 5 एक्स टू दी पावर 4, 4 कॉस एक्स 10 इंटू 5 50 एक्स टू दी पावर 4। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी को। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, 4 साइन एक्स प्लस 10 एक्स टू दी पावर 5 का, तो 4 साइन एक्स 10 एक्स टू दी पावर 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4, 10 इंटू 5 50, 4 कॉस एक्स प्लस 50 एक्स टू दी पावर 4 राइट। अच्छे से आ गया होगा आई होप सभी को। ये मैंने आपको बताया अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो सेम मैनर में, अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो इट मींस यू माइनस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सेट एक्स, we have to find the derivative of x cube minus sec x right, so d by dx of x cube minus d by dx of sec x, is function mein kya lagega, power function power minus 1, sec x ka derivative sec x into 10x, 3x square minus sec x into 10x। आई होप अच्छे से आया होगा सभी को समझ में। इस तरीके का एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं अभी मैं आपसे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 cot x माइनस 10 e टू द पावर x, इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया मैंने, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 cot x माइनस 10 e टू द पावर x। अब देखिए सेपरेट करेंगे d by dx 4 cot x माइनस d by dx ऑफ 10 e टू द पावर x, 4 बाहर आ जाएगा d by dx ऑफ cot x माइनस 10 d by dx ऑफ e टू द पावर x राइट, तो 4 cot x का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 ई की पावर का होता है ई की पावर, ई टू दी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई टू दी पावर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 ई टू दी पावर एक्स राइट। अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को। मैंने आपको बता दिया अगर दो फंक्शन एड ऑन हो रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई का, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, समझिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो अगर फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई में है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है समझना इसको, पहला फंक्शन सेम रखिए दूसरे वाले को क्या कर दीजिए डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन सेम रखिए पहले वाले को क्या कर दीजिए डेरिवेटिव, तो u इंटू वी, u को सेम रखा डेरिवेट किया v को, v को सेम रखा डेरिवेट किया u, क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इंटू cot x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x क्यूब और cot x कैसे करेंगे डेरिवेट, u इंटू v, किसी को भी u किसी को भी v अज्यूम कर सकते हैं आप, फॉर सपोज ये वाला u ले लिया और ये वाला फंक्शन क्या ले लिया v, x क्यूब सेम रहेगा d by dx of cot x plus में cot x d by dx of x cube, I hope clear हो रहा होगा, पहला फंक्शन सेम दूसरे वाले को डेरिवेट, दूसरा फंक्शन सेम पहले वाले को डेरिवेट, तो ये हो जाएगा x cube cot x का डेरिवेट माइनस cos x square x
प्लस में कॉट एक्स, एक्स क्यूब पावर आगे फंक्शन पावर माइनस वन माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। यह आ गया मेरा डेरिवेटिव, इसको देखिए आप एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में प्रोसीड करते हैं। आई होप हो गया होगा सभी को क्लियर। देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, एक पोर्शन लेते हैं x टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू कॉस एक्स, देन x टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये u की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये वाला v की तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस में सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x टू दी पावर माइनस सिक्स राइट। तो x टू दी पावर माइनस सिक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस सिक्स पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस वन राइट, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस सिक्स एक्स टू दी पावर माइनस सेवन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू साइन एक्स, अभी हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स टू दी पावर माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। ये आ गया मेरा आंसर राइट, नोट कर लीजिए इसको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को हमको। देखिए आगे देखते हैं इसी में। अब अगर यही दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, तो मैंने आपसे दोनों फंक्शंस का एडिशन डिस्कस किया, अगर दो फंक्शन आपस में एड ऑन हो रहे हैं, इसके बाद अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, फिर उसके बाद दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, और अब देखते हैं डिवीजन, इसी को बोलते हैं कोशेंट रूल। देखिए सिंपल सा इसको है याद रखना, वी स्क्वायर, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके सिखाता हूं इसको। इसमें एक फंक्शन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करके दिया होगा आपको, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके सिखा दिया आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला। देखिए अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यू अपॉन बी से देख लें फॉर्मूला क्या बनता है, डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा वी स्क्वायर, देन वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये फॉर्मूला है, क्वोशेंट रूल कहते हैं इसको। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसके बेसिस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा आपको ये। देखिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। फॉर सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, क्वेश्चन लिया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। देखिए तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। अब देखिए साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर एक्स पावर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो टू एक्स टू माइनस वन है, टू माइनस वन इज वन, इट मीन्स इट इज टू एक्स। तो आंसर क्या आ गया, साइन एक्स इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स राइट। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यू अपॉन वी से समझ ले चाहे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से समझ ले। ये यू अपॉन वी है वी स्क्वायर, वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इस पोर्शन को यू कंसीडर कर लिया, इस पोर्शन को वी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं भी आपसे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया, इट इज
टेन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। अब देखिए डिवाइड हो रहे हैं, इसको यू की तरह ट्रीट करेंगे और इस वाले फंक्शन को वी की तरह। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का करते हैं स्क्वायर, डिनोमिनेटर पार्ट वाले का, वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डन। अब देखिए ई की पावर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा ई की पावर टू एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको दोनों टर्म के पास ई की पावर एक्स है, कॉमन ले लिया ई की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर टू एक्स। मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, एक ई टू दी पावर एक्स एक ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा डन, ये आ गया इसका डेरिवेटिव टेन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स राइट। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। देखिए अब मैंने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन भी बता दिया, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इंस्टेड ऑफ दैट अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तब भी डिस्कस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चार टाइप थे, चारों मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इसी में बेटे एक और आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां पे लगता है चेन रूल, चेन रूल समझना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कंपेयर करके। देखिए मैंने कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव, आपने बताया क्या होगा कॉस एक्स, मैंने कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, पर अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर तो देखिए मैंने तो आपको साइन एक्स बताया ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो समझिएगा कैसे करना है। जो ये टर्म आई है इसको आप एक्स की तरह ही मान के चले कि ये मेरा एक्स ही है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था कॉस एक्स, पर एक्स ना होके क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसी को डेरिवेट करेंगे दोबारा से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दोबारा डेरिवेट किया और इसको करते हैं मल्टीप्लाई में डन। दोबारा समझिए साइन एक्स का था कॉस एक्स, सिंपल सा। अब अगर साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स की तरह ज्यूम करके चलिए, तो साइन एक्स का होना था कॉस एक्स राइट। अब इनटू डी बाई डी एक्स दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर डन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे फंक्शन पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में टू एक्स, ये आ गया मेरा आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, अगर मेरे पास एक फंक्शन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x, मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x, समझिएगा अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा e टू द पावर x, पर यहां पे x ना होगा क्या है 4x, तो मैं कह रहा हूं अगर इसको स्टार्टिंग में आप मान ले x है ये, इमेजिन करना खुद से कि ये 4x ना होके x था तो क्या होने वाला था डेरिवेटिव, देखिए ये होने वाला था e टू द पावर 4x, मैंने अभी इसको x इमेजिन किया हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 4x इनटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल d बाय dx ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट दिस पर्टिकुलर टर्म e टू द पावर 4x। अब देखिए यहां पे लगेगा कांस्टेंट रूल 4x, अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर चला जाएगा इनटू d बाय dx ऑफ x, ये हो जाएगा e टू द पावर 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 4e टू द पावर 4x। आई होप अच्छे से आया होगा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं मैं, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x राइट, तो e टू द पावर 4x का क्या होगा आपको पता है e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा डेरिवेटिव राइट, तो
मैंने बोला ये जो 4x है आप इसको खुद से इमेजिन कर ले, ये मेरा x है, तो e की पावर x का होना था e की पावर x डेरिवेटिव, पर ये x ना होगी क्या है 4x, तो इनटू d/dx ऑफ 4x। अब देखिए ये 4x है, x मेरा फंक्शन है, 4 क्या है कांस्टेंट, तो मैंने आपको कांस्टेंट रूल सिखाया, जो भी कांस्टेंट है वो क्या होगा डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया इनटू d/dx ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव रिकॉल भी कर लेते हैं एक बार, d/dx ऑफ x कुछ नहीं है, पावर कितनी है 1, तो पावर फंक्शन पावर माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 इट मींस 1, 1 इंटू 1 1, तो सो d/dx ऑफ x इज 1, 4 e टू दी पावर 4x। आई होप आ गया होगा सभी को, और इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं आपको। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, आई होप क्लियर हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की बजाय मैं ले लेता हूं यहां पे की पावर मेरी 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 4। देखिए अब मैंने आपको x टू दी पावर n सिखाया है, वो होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो वो x में होगी, ये फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो मैं कह रहा हूं अगर मेरा ये x था तो x टू दी पावर n लगेगा यहां पे भी। अगर देखिए समझिएगा, अगर होता x टू दी पावर 4 तो क्या लिखते, पावर x पावर माइनस 1, यहां पे भी सेम ही करके देखते हैं हम। देखिए इसको इमेजिन कर लीजिए ये x है मेरा, तो 4 x स्क्वायर प्लस 7 4 माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, राइट, तो 4 x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 3। अब देखिए दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 7, देखिए 4 x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 3, x स्क्वायर में 2x 2 माइनस 1 x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n x n माइनस 1 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो 4 x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 3 इनटू 2x, ये तो 0 ही हो गया, तो 4 टू जा 8x इनटू x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 3, राइट। एक फंक्शन था x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 4, मैंने कहा इसको आप इमेजिन करके चलें कि ये मेरा x ही है, तो ये x टू दी पावर 4, मैंने आपको करके भी बताया अगर x टू दी पावर 4 होता तो ऐसे हो जाता है। अब था क्या एक्चुअल में, ये था x स्क्वायर प्लस 7, तो 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 7 टू दी पावर 4 माइनस 1, अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये जो पर्टिकुलर टर्म बची है इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का क्या गया 2x, ये 4 और ये 2x मल्टीप्लाई होकर 8x हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 टू दी पावर 3। आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से, कुछ इस तरीके के और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता हूं अभी। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 e की पावर x। देखिए वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 e टू द पावर x। देखिए अब अगर आपसे मैं पूछता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x तो आप बता देते sec square x, पर है क्या क्वेश्चन 10 e टू द पावर x, तो इस e टू द पावर x को आप x इमेजिन कर लो, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec square x की जगह क्या आ जाएगा e टू द पावर x, और जो ये पर्टिकुलर टर्म आई है इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे मल्टीप्लाई में इनटू d/dx ऑफ e टू द पावर x, sec स्क्वायर e टू द पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो देखिए ये पूरा एक फंक्शन हो गया और ये फंक्शन अलग है, तो मैंने e टू द पावर x को आगे लिख लिया और sec स्क्वायर e टू द पावर x को बाद में लिख लिया, किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने आपको 10 e टू द पावर x का, अब देखिए 10x होता तो sec स्क्वायर x लिख देते, पर ये है e टू द पावर x, तो इसको मैंने इमेजिन कर लिया खुद से कि x रहा होगा, तो 10x अगर ये होता तो ये होता sec स्क्वायर x, x की जगह e टू द पावर x इनटू d/dx ऑफ e टू द पावर x, राइट, तो e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इनटू sec स्क्वायर, ये e टू द पावर x इसी का पार्ट है sec स्क्वायर e टू द पावर x, तो ये आ गया इसका आंसर, राइट। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
साइन 4x. एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, साइन 3x, सभी इसी तरीके से होंगे. देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू द पावर 4, साइन x टू द पावर 4, इस तरीके से लिख लो इसको. जो इसकी पावर है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, सभी को बताओ अगर लिखा हुआ x क्यूब, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं x टू द पावर 3, राइट. तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का है, x टू द पावर n का. क्या होता है n x n माइनस 1, तो यहां पे ये पूरा फंक्शन है, इसको मान लूंगा अगर मैं x, मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मेरा x है, तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर n. तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, पावर आगे फंक्शन पावर माइनस 1, अब ये टर्म तो बच गई, इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे d बाय dx ऑफ sin x, देन तो ये हो जाएगा 4 sin x की पावर 3, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स. देखिए साइन 4x का डेरिवेटिव निकालना था हमें, मैंने इसको पहले मॉडिफाई करके लिख लिया साइन x की पावर 4, एक ही बात है दोनों. अब हमारे पास जब भी पावर आती है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दैट इज x टू द पावर n. x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी फंक्शन पावर माइनस 1, तो 4 आगे आ गया फंक्शन पावर माइनस 1. अब इस टर्म का डेरिवेटिव तो हुआ ही, तो इसको मैंने अलग से डेरिवेट कर दिया एज पर चेन रूल, d बाय dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 4 sin x का क्यूब इनटू cos x, ये हो जाएगा 4 sin cube x इनटू cos x. तो मैंने क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस कर लिए आपसे चेन रूल के, आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा. थैंक यू.